फुलां दी हो रही बरखा मैया जी तेरे पवना ते फुलां दी हो रही बरखा मैया जी तेरे पवना ते नचण भगत सारी रात नचण भगत सारी रात नचण भगत सारी रात मैया जी तेरे पवना ते जय माता दी। दोस्तों, अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार दर्शन करने के लिए प्लान बना रहे हैं इस फरवरी महीने में, तो जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि यात्रा पर अभी आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है और भारी बर्फबारी आपको इस समय देखने को मिल रही है अगले 2-3 दिन तक। तो आप भी माता रानी के दरबार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आपको यात्रा मार्ग पे कितनी भीड़ है, प्राचीन गुफा का दर्शन कर पाइएगा और स्नोफॉल कैसे देखने को मिलेगा। तो बता देते हैं कि अभी आपको माता रानी के भव्य द्वार से इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है जहाँ की स्नोफॉल हो रही है। तो माता रानी के भव्य द्वार पे रुक रुक कर आपको बता दूं कि बर्फबारी देखने को मिल रहा है और देखिए श्रद्धालु इस वक्त किस तरह से झूम रहे हैं इतना सुंदर नज़ारा देख के। माता रानी का भवन एकदम जैसे लग रहा है कि श्वेत पुष्प भगवान बरसा रहे हैं, उस तरह का पूरा सफ़ेद चादरों से ढक चुका है। तो आपको बता देती हूँ कि रात्रि के समय भवन पर तापमान आपको -4 से -5 डिग्री देखने को मिल जाता है और वही दिन की बात कर लेते हो तापमान 7 से 8 डिग्री देखने को मिल रहा है। माता रानी के भवन से लेकर भैरव बाबा तक आपको ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा और भवन एकदम सुहाना देखने को मिल रहा है। और मौसम अभी आपको बता दें, अगर इन दिनों अगर आप माता रानी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ठंड के कपड़े जरूर लेके आइएगा। दिन में तो आपको मौसम थोड़ा ठीक देखने को मिलता है, अगर आप यात्रा ट्रैक से अगर नीचे कटरा से चलिएगा तो आपको थोड़ी थोड़ी यात्रा मार्ग पर गर्मी महसूस होगी, लेकिन भवन पर आते ही आपको ठंड का माहौल एकदम दिख जाएगा। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी कि आप इस सुंदर नज़ारा देख रहे हैं कि स्नोफॉल जहाँ देखिए स्नोफॉल का सुंदर नज़ारा भवन से लेके आपको भैरव घाटी जीते का देखने को मिलेगा और इस समय पूरा माता रानी का भव्य द्वार बहुत ही सुहाना देखने को मिल रहा है। तो इन दिनों अगर आप माता रानी के दरबार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग और बच्चे के साथ, तो आपको बता दें कि ठंड के कपड़े आप जरूर अवश्य लेके आए और यात्रा करके आप हो सके तो नीचे कटरा की ओर चले जाइए, क्योंकि तापमान आपको ऊपर नीचे भवन पर काफ़ी देखने को गिरावट नज़र आ रही है। अगर आपको भवन पे रूम लेने की व्यवस्था अगर नहीं मिल पा रही है तो आप कटरा जरूर चले जाइएगा, लेकिन ऐसे आपको बता दूं कि दुर्गा भवन पे जाइए, दुर्गा भवन पे आपको पूरा रूम की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, फ्री डॉर्मेटरी व्यवस्था मिल जाएगी। तो इस समय देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा माता रानी के भव्य द्वार से देखने को मिल रहा है। माता रानी का भवन एकदम सफ़ेद चादरों से ढका हुआ है, पूरा त्रिकुटा पर्वत में आपको इस तरह की बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। तो इन दिनों अगर आप माता रानी के द्वार आ रहे हैं तो ये सुंदर नज़ारा देखने अगले 2-3 दिन तक आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने को ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको बात करते हैं यात्रा मार्ग पर, अभी भीड़ कम आ रही है क्योंकि ठंड है, तो और आपको बता देते हैं कि वीकेंड में आपको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन अभी यात्रा मार्ग पे आपको थोड़ी तो ये सामने आप देख रहे हैं, आप भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और आपको बता दे और ऊपर में लेफ्ट साइड ले लीजिएगा जो आपको प्राचीन गुफा है लंगर देखने को मिल जाएगा, वो दिन 2 बार खुल रही है। तो अभी सुबह और बता दे जब ठंड ज्यादा पड़ जाती है जैसे स्नोफॉल होते हैं ना, तो थोड़ा रात में कम प्राचीन गुफा को खोला जा रहा है दर्शन करने के लिए। ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं माता रानी के प्राचीन गुफा का दर्शन, लेकिन 2 बार हो जा रहा है, लेकिन रात के समय में जैसे स्नोफॉल हो रही है ना, जाइए आपको पुराने रास्ते प्राचीन गुफा को नहीं खोला जा रहा है, 1 घंटे के लिए खोला जा रहा है दर्शन करने के लिए, उसके बाद रात में दर्शन करने के लिए नहीं खोला जा रहा है। तो आप भी आइए, बहुत ज्यादा माता रानी का सुंदर नज़ारा देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि स्नोफॉल ऊपर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि एकदम पूरा सफेद चादर से माता रानी का भव्य द्वार एकदम ढक चुका है। तो ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए इस फरवरी महीने में अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भक्तों के साथ साझा करिएगा, बोलिए जय माता दी। सेवा को बंद किया जाता है।